नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। भारत को करारा झटका लगा है। वॉशिंगटन सुंदर बाहर हो गए हैं। आगामी इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। ये तीसरा मामला है जब भारत का कोई खिलाड़ी पूरे दौरे से ही बाहर हो गया हो। पहले शुभमन गिल का नंबर लगा था, वो सीरीज से बाहर हुए, उसके बाद आवेश खान और अब वॉशिंगटन सुंदर। दरअसल भारत 3 दिनों की प्रैक्टिस मैच खेल रहा है। काउंटी 11 टीम की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे थे और आवेश खान भी। दोनों ही खिलाड़ी चोटिल हो गए और पूरे इंग्लैंड दौरे से ही बाहर। आपको बता दें, आवेश खान को 20 जुलाई से शुरू हुए मैच के पहले दिन अंगूठे में चोट लगी थी, जबकि वॉशिंगटन सुंदर को दूसरे दिन उंगली में चोट लगी। ये दोनों ही काउंटी 11 की ओर से खेल रहे थे, लेकिन अब दोनों को ही इस दौरे से बाहर होना पड़ा है। इससे पहले युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल भी अपनी पिंडली की चोट के कारण इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए थे और वो देश भी वापस लौट चुके हैं। हालांकि BCCI की ओर से अभी तक तीनों खिलाड़ियों के सीरीज से बाहर होने को लेकर कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि पहले ही दिन 9 ओवर की गेंदबाजी के बाद आवेश खान चोटिल हो गए थे। BCCI ने अपडेट जारी करते हुए बताया था कि उनका स्कैन किया गया और मेडिकल टीम निगरानी बनाए हुए है। अब सुंदर की चोट ने टीम की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। इंग्लैंड दौरे पर 4 स्टैंडबाई खिलाड़ियों समेत कुल 24 भारतीय खिलाड़ी पहुंचे थे, जिसमें से अब 3 खिलाड़ी चोट के कारण पूरे इंग्लैंड दौरे से ही बाहर हो चुके हैं, जिसमें शुभमन गिल, सुंदर और आवेश खान भी हैं। बताते चले कि भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 4 अगस्त से शुरू हो रही है। पहला मैच ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।